हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो आपने पहले के वीडियो में देखा होगा कि बहू आ गई थी और कुछ रस्म रिवाज जो हुए उसके बाद फिर खाना पीना तो हमने पहले ही बना लिया था सबने मिलके, और खाना बाकी रह गया था तो उसके बाद बस खाना पीना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले और बच्चों को बैठाया गया है, क्योंकि बड़े लोगों को ये होता है कि सब भक्त होते हैं, इनको होता है कि छुआछूत कहीं इधर उधर खाना ना हो, तो पहले उन्हीं को खिला दिया जाता है। तो सब लोग को बैठा के एक तरफ देखिए, मैंने कुकर पे दाल और चढ़ाई थी, तो एक कुकर दाल बनी हुई थी साथ ही चढ़ा दी थी, एक तरफ बन भी रही थी और खाना इस तरफ रोटी जो जेठानी लोग थी मेरे घर की सब चूल्हे पे बन रहा है खाना, सामने आप देख रहे होंगे, और साथ में सब मिल के खाना खिला रहे हैं। तो इस तरफ से आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि कई दिनों से इस तरह से चल रहा है हमारे यहाँ खाना पीना, और इतनी बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है, एक सुबह से उठने के बाद रात हो जाती है, फुर्सत नहीं मिलती है, उतने ही रस्म रिवाज होते हैं और उसी के साथ साथ बनाना खाना खिलाना सब कुछ होता है। तो सारे ही काम करते करते सुबह से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और जितना ही अच्छा लगता है उतने ही समझ लीजिए कि थक जाते हैं। और यहाँ पे बस ये चौथी छुड़ानते हैं, ये लास्ट है, आज दुल्हन आने के बाद फिर सब कुछ ये जो सामान होता है पूजा पाठ जो वहाँ पे हुआ रहता है उसको दूल्हा लेके हम लोग साथ में लेके जाते हैं। तो हर जहाँ जहाँ मंदिर पे जाना जाते हैं उसके बाद तालाब पे भी जाएंगे। तो ये जो पूजा पाठ गौरी गणेश और सब ओम वगैरह सब होता है, जो कलश रखा जाता है, सारी ही चीज़ें लेके जाते हैं तो वहाँ पे खोद के ढक दिया जाता है। तो यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ जेठानी मेरी, और ये है लड़का बेटा मेरा। तो ये बेटा मेरा पहले हम आप उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, ये मेरे पास 2.5-3 साल रह के गया है यहाँ देहरादून में, काफ़ी समय तक मेरे साथ ही यहाँ पे रहा है और जॉब भी यहीं पे कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल के लिए कहीं और जॉब करने लगा है, अमृतसर में कर रहा है, तो यहाँ से चला गया है, नहीं तो मेरे पास ही वो काफ़ी टाइम तक रह के गया था। तो वैसे भी हम लोग के घर में इतनी बड़ी फैमिली और सब बच्चे ही एक दूसरे, मेरे जेठानी के जितने भी बच्चे इतना ज़्यादा मानते, उतने ही हम लोग उनको मानते हैं और वो लोग हमें इतना मानते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये मतलब परिवार में अगर प्यार है ना तो फिर परिवार का मतलब काम चाहे जितना भी हो कुछ भी हो सब एक दूसरे को इतनी हेल्प करते हैं और हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बस ये देखिए मेरी जेठानी, ये मेरी बहन और जो देवरानी भी है, उसके बाद ये नाउन है लेके आ रही है, उसके बाद बस जेठानी का लड़का है जो कि दूल्हा बना हुआ है। तो इसी से होगा, ये भी थक चुका है शादी ब्याह करके आने के बाद भी, लेकिन ये रस्म निभानी ज़रूरी होती है, आज ही होगी चौथी छुड़ाई, उसके बाद मैं निकल रही हूँ, उसके बाद मेरी देवरानी मेरे बाद वाले, तो हम चार लोग देवरानी जेठानी हैं, तो ये हम चारों ही लोग बस ये सारी रस्में निभाएंगे। ये मेरे बाद वाली जो हैं बेंगलोर में रहती हैं और जेठानी मेरी गांव में ही रहती हैं, और मेरी जो बहन है वो जॉब करती है तो वो आती जाती रहती है, मायके में उसकी जॉब है, तो वहाँ से कुछ दिन वहाँ रहती कुछ दिन वहाँ रहती ससुराल में, देवर मेरे कानपुर में है तो वहाँ भी आती जाती रहती है, उसका इस तरह से भी चल रहा है, जब छुट्टियाँ होती है बच्चों की तो चलता रहता है। बस हम लोग यहाँ से घूमते हुए सारे ही मंदिर उसके बाद यहाँ पे गए हैं ये तालाब के पास में, वहाँ पे भी ये पूजा हो जाएगी। तो बस लास्ट दिन है क्योंकि 3 दिन से हम डेली जा रहे हैं, और ये कलश का पानी जो है ये भी लेके साथ में गए हैं, अब ये सब पूजा पाठ करने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं अंदर ढक दी जाएगी। और आपने देखा ही होगा कितनी मस्ती हुई, कितना काम के साथ साथ कितना फिर इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दिन डेली कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते हैं, और जब जी करे तो मतलब जिसको मुझे तो मन करता है खूब मस्ती करने का, तो डांस वगैरह उतना नहीं आता है, फिर भी अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना बनता है, तो जो आता है उतने में ही, ये थोड़ी नहीं है कि हम प्रोफेशनल हों किसी चीज़ में, हमें बहुत अच्छा है तभी हम करें,
इंजॉय साथ में मिलके करना ही चाहिए, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, मेरा तो हमेशा से यही मानना है। तो यहाँ पे ये देखिए खोद के गड्ढा सा थोड़ा, उसके बाद हमने सारा ही सामान इसमें ढक दिया है, डाल दिया है पांचों लोगों ने मिलके उस टोकरी को। तो बस ये रस्म रिवाज अब यहाँ से ख़त्म होंगे उसके बाद ढकने के बाद। और अभी इसके बाद एक रस्म और होगी जिसमें खूब मज़े आए, खूब हंसी मजाक, और सारी ही लेडीजें भी आपने देखी होगी कि ये रात हो चुकी थी, शाम का टाइम था, रात हो गई है। अभी इसके बाद पूजा कथा होगी, दुल्हन को पूजा सुनाई जाएगी। और तो बस यहाँ पे बहुत तेज मार खा रहे बच्चा रहे मार गए गिरे छुआ रहे छुआ नहीं गा खा रहे ना छुआ पूछ ली जुराने अरे हां बोल जा काम में जुरान हां बोले जा सिबू ये मां जाने भैया हां जुरा है ऐसे कहा बेटा जुराने हां जुराने हां मम्मी कह रहे जुराने ठंडी लाग रही मार भैया बोल मम्मी जुड़ान मम्मी जुड़ानू आपकी कहते मम्मी जुड़ानू जुड़ाने तो बस हो गया, आपने देखा होगा कि कैसे हुआ। और यहाँ पे ये घर पे आने के बाद तो जो बांस वो लगा रहता है उसी को यहाँ पांच बार घूमने के बाद ये नाउन बेसन का घोल के रखती है, उपटन बोलते हैं उसको, सारे ही जितने यहाँ पांच लेडीजें होती सबके मतलब, तो ये लगा के पैर में छुड़ाती हैं और थोड़ा मालिश टाइप का भी कर देती हैं इसे। काफ़ी इतना थक गए थे काम कर करके, दौड़ दौड़ के इतने दिनों से, कि अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बारी बारी से सबके पैर में, ये भी एक रस्म है, तो इस रस्म में ये रस्म तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि पैर को जब इसने मतलब इन्होंने रगड़ा बेसन का उपटन लगा के काफ़ी अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा और कुछ थकाई भी दूर हो गई। उसके बाद फिर अभी खाना पीना सब बाकी ही है, तो बारी बारी से हम चार यहाँ पे और लेडीजे सब खड़ी ही थी, अब इसी के बाद खाना पीना बनेगा। और यहाँ पे ये पूजा पाठ हो रहा है, कथा सुनाई जा रही है दूल्हा दुल्हन को, तो इसके बाद लास्ट रस्म है और हो गया, शादी ब्याह भी हो गया, सब निपट गया घर का। और अब आप लोग को दूसरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, बस कुछ दिन में हम देहरादून भी पहुँच जाएँगे, तो फिर आपको देहरादून के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन नए ब्लॉग जाएँ तो आप लोग को ज़रूर मिल जाएँ। और चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं, और आप लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए फिर बाय बाय।